हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। ये है मेरा आईफोन 6 मॉडल नेम, सॉफ्टवेयर वर्जन है इसका 15.7.5। इस वीडियो में बात करेंगे कि इस अपडेट के बारे में आपसे कुछ सजेशंस लूँगा या फिर आपकी राय पूछूंगा आपके फ़ोन के बारे में। इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। ये है मेरा आईफोन 6s जो कि 16 GB वाला मॉडल है और इसके ऊपर मैंने 15.7.5 यूज़ कर रहा हूँ। और ये जो अपडेट है बैटरी के मामले में मेरे फ़ोन में कभी कभी तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लेकिन कभी कभी काफ़ी कूल बैटरी बैकअप प्रोवाइड करता है। लेकिन जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस हफ्ते से मेरा आईफोन 6s बहुत शानदार बैटरी बैकअप मुझे दे रहा है, लेकिन जब मैं पिछले दिनों की बात करूँ तो वो बहुत ही ख़राब था। ऑलमोस्ट 20% रोज़ ही आ जाना बिना यूजेज के ही। सो ये चीज़ जो है आपके केस में भी हो रही है या फिर नहीं, जस्ट लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन फर्स्ट। एंड कुछ चीज़ों की बात करेंगे आईफोन 6s जैसे कि 2023 के स्टैंडर्ड्स के लिए मैच कर रहा है या नहीं। अगर तो आपका बजट बहुत ही छोटा है जैसे कि 3000 से भी नीचे, तो आईफोन 6s आप बड़े आराम से रख सकते हो। अगर आपका पास बजट नहीं है दूसरा फ़ोन अफोर्ड करने का, 6s एक बहुत बढ़िया डील रहेगी। लेकिन अगर आपका बजट है, आप उठा सकते हो थोड़ा सा अपना रिस्क नया फ़ोन या दूसरा सेकेंड हैंड फ़ोन बाय करने का, तो दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूँ आईफोन 7 प्लस मिनिमम। सो अगर आप थोड़ा सा और एक्सटेंड कर सकते हो तो बाय कर लो आईफोन XR। 7 प्लस से आपको क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि जो आईफोन 6s की बीमारी है जो कि बैटरी है वो 7 प्लस में फिक्स हो जाएगी। सेकेंडली 6s में पोर्ट्रेट मोड नहीं देखने को मिलता, वो फिक्स हो जाएगा। थर्ड, आईफोन 7 में हमें जो है एक तरह से बड़ी डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी बड़ी बैटरी बैकअप के साथ। ओके, सो कुछ चीज़ों के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर आईफोन 6s की मैंने एक सेटिंग की थी जो कि मुझे बैटरी में बहुत ही हेल्पफुल रही। वो है सेटिंग्स में जाओ आपको, फिर जाना है आपको लुक प्राइवेसी वाले सेक्शन में। यहाँ पर आपको स्वाइप अप करने पर मिलेगा एनालिटिक्स एंड इम्प्रूवमेंट्स, इसके ऊपर क्लिक करो। तो स्वाइप अप करो यहाँ पर, जस्ट होल्ड ऑन लेट मी फाइंड सम ऑफ द डेटा हेयर। आई थिंक सो इट शुड बी इन द लोकेशन सर्विसेज। यस, आपको लोकेशन सर्विसेज में जाना है, फिर स्वाइप अप करो। नीचे सिस्टम सर्विसेज का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, फिर स्वाइप अप करो और सबसे नीचे आपको सिग्निफिकेंट लोकेशंस देखने को मिलेगा। आपको जो है अपना पासकोड जो मैंने डिफिकल्ट सा लगा कर रखा है इसको वेरीफाई करना है। ये आपका ऑन रहेगा, आपको इसे ऑफ कर लेना है। सिग्निफिकेंट लोकेशन से आपकी बहुत सारा बैटरी जो है वो वेस्ट होने से बच जाएगी, क्योंकि ये जो है सिग्निफिकेंट लोकेशंस जो हैं आपको ट्रैक करता रहता है कि आप कब घर आए, कब आप ऑफिस में हो, कब कब कहाँ कहाँ पर जा रहे हो। सो इससे आपकी फ़ोन की लोकेशन ऑफ नहीं होगी, लेकिन आपकी बैटरी बच जाएगी बहुत ज़्यादा वाली। सो ये है सिंपल ट्रिक कि आप अपने फ़ोन की बैटरी को कैसे बचा सकते हो। बाय द वे, सेकेंड ट्रिक ये है कि अगर आप अपने आईफोन कि फ़ोन अपने आईफोन का डेटा यूज़ करते हो बहुत ज़्यादा, जैसे कि मोबाइल डेटा अपने फ़ोन के ऊपर, मैं आपको रिकमेंड करूँगा अगर आपके पास कोई वाईफाई कनेक्शन है या फिर अगर आपके पास दूसरा फ़ोन है तो आप इसका डेटा बंद करके उस फ़ोन के अंदर सिम कार्ड या फिर कुछ ऐसा सिस्टम इंस्टॉल करो कि उस फ़ोन का हॉटस्पॉट ऑन हो जाए, तो आप इसमें वाईफाई यूज़ कर सको उस फ़ोन का। इससे क्या होगा कि आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा बैटरी लूज़ नहीं करेगा, हीट नहीं होगा, इससे आपकी बैटरी हेल्थ भी बढ़ जाएगी। दैट्स इज वाई मैं अपने फ़ोन को मोस्ट ऑफ द केसेस के ऊपर वाईफाई के ऊपर ही यूज़ करता हूँ। ये बिल्कुल क्लियर स्टैट्स अवेलेबल हैं। जब मैंने अपने फ़ोन को डेटा भी ऊपर यूज़ किया है वो हीट भी हुआ है और जल्दी बैटरी ड्रेन हुई है, लेकिन जब मैंने वाईफाई के ऊपर यूज़ किया तो फ़ोन ने डबल दी बैटरी बैकअप मुझे निकाल कर दिया है नॉर्मल यूजेज में। सो आपको जो है बैटरी से रिगार्डिंग आईफोन 6s के ये जो दो पॉइंट्स हैं ये बहुत ही हेल्प करेंगे। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको फ़ोन जो है ज़्यादा ड्रॉप नहीं होने देना है चार्जर में, जैसे कि 20% से नीचे ना जाने दो, इसको 20% से ही चार्ज कर लो। इससे क्या होगा कि जब आपको स्पेशली ज़रूरत पड़ जाएगी, जब आपका चार्ज नहीं लगा पाओगे आप, तो आपका फ़ोन आपको हेल्प करेगा, आपका फ़ोन स्विच ऑफ नहीं होगा इस कंडीशन में। अगर आप रोज़ रोज़ ज़ीरो करके फ़ोन को चार्ज करते हो तो आपका फ़ोन जल्दी गिरता है और वह 5% पर ही कभी कभी बंद हो जाता है। सो ये जो प्रैक्टिसेस हैं आपको परफॉर्म करनी है इस चीज़ को फिक्स करने के लिए। सो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।